The performance of Indian shooters in the recent World Cup held in Munich, Germany, was quite disappointing. After the spectacular show in Commonwealth Games, there were huge expectations from the Indian shooters. Despite top shooters like Heena Sidhu, Manu Bhaker Jitu Rai, Anjum, Mudgil and Prakash Mithraval participating, India failed to do well. Clearly, China was in the top position in this World Cup, while India failed to make the top 8. In a special conversation, Indian shooting coach Deepak Dubey said we couldn't repeat the performance of the Commonwealth Games in the World Cup. नहीं निराशाजनक तो हम नहीं कर सकते, प्रयास काफ़ी अच्छा रहा और इस बार हमारे उस इवेंट में मेडल आए हैं जो आज तक पहले कभी नहीं आए थे, तो खास करके राइफल टीम का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा और हमारे कई खिलाड़ी हैं जो बहुत मतलब अपने जो उनकी रेगुलर की जो ट्रेनिंग है उससे बेहतर प्रदर्शन किया उन्होंने। इतना ये कह सकते हैं कि जो जिस अभी पिछले वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रही उसके हिसाब से वो स्कोर वाइज उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, लेकिन वो मेडल को तब्दील नहीं कर पाए हैं ये मैं कह सकता हूँ, अदरवाइज परफॉर्मेंस में निराशाजनक नहीं हो सकता और सराहनीय है। Apurvi Chandela and Ravi Kumar set a target of 836.8 points in the 10-meter air rifle event in the Munich World Cup, but they failed to qualify. Mehuli Ghosh and Deepak Kumar remained at the 20th place with 835 points. Apart from this, Heena and Prakash, with the help of air pistol mixed team event, got 13th position with 767 points. While Manu Bhaker and Shahasa Rizvi got 758 points, they secured 34th position. Yes, अभी जिस तरह से हम शूटिंग को दे रहे हैं, जिस स्तर से उनका ग्राफ बढ़ा है, शूटरों ने जो अपना मुकाम हासिल किया है, उस हिसाब से वो पदक तालिका में या और फाइटिंग फाइनल के लिए वो जगह नहीं बना पाए। और जिन शूटरों ने बनाया है ये हमारा एयर राइफल में, जैसे अपूर्वी चंदेला थी, सी वाज लीडिंग विद द 19 शॉट तक, सी वाज द फर्स्ट रैंकिंग, बट ड्यू टू वन बैड शॉट 5.9 इट वाज गुड, मे बी टेक्निकल फॉल्ट और क्या हुआ, शूटर खुद को संभाल नहीं पाया तो वो फोर्थ पे हो गई, अदरवाइज एक मेडल हमारा कन्फर्म था वहाँ पर। और अंजुम थे, अंजुम 3 पोजिशन के फाइनल में थी और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल किया है 1180, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल किया उसने, लेकिन फाइनल में वो जब 3 पोजीशन में फाइनल होता है कि पहले वो नीली में करते हैं, देन प्रोन में करते हैं, फिर स्टैंडिंग में आते हैं, तो प्रोन एंड नीलिंग में सी वाज लीडिंग रैंक 1 एंड अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि उस दिन हमारा दिन नहीं था उसके लिए एंड सी क्लोज ऑन 6th प्लेस आफ्टर स्टैंडिंग। देखो सुधार तो हर स्टेप पे होना है, डे बाय डे हमें इम्प्रूवमेंट करना है। अगर रवि कुमार की बात करूँ तो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसका स्कोर वाज था 628, लेकिन विश्व स्तर पे अभी हम वो 9th रैंक पे क्लोज हुए, टॉप 8 का फाइनल होता है, तो हमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जगह है। उनकी जो ट्रेनिंग थी, जिस लेवल पर वो फाइनल को कट ऑफ हुआ है, तो वो प्रैक्टिस में लगातार मार रहे हैं, लेकिन जब कंपटीशन बैक टू बैक होता है तो हर शूटर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है और ये इंडिविजुअल स्तर पे हुई है, अदरवाइज फेडरेशन हो या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या जो हमारे कोचेस लगे हुए हैं, सबका सराहनीय योग रहा और भी अच्छा होता अगर वो फाइनल खेलता, उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहा था, स्कोर कर रहा था, उसके साथ 2 शूटर और थे, दीपक कुमार, उसने भी 627 किया, और अर्जुन बबूता जो यंग है, हमारे जूनियर लॉट का शूटर है, वो सीनियर में जगह बना के गया हुआ है, तो उसने 627.7 किया, स्कोर वाज इम्प्रूव, बट यहाँ ये कहेंगे कि अदर्स ने थोड़ा और बेहतर किया। हीना सिद्धू बहुत ही एक्चुअली इस एक्सपीरियंस में कोई कमी नहीं है एंड ट्रेनिंग वाज सो फैंटास्टिक, हाँ उनसे ही उम्मीद थी कि वो फाइनल खेलती और उनका जो स्कोर था 576 एयर पिस्टल में, तो लेकिन जो उनका बेस्ट है 80 प्लस हमेशा करती हैं, 84 इवन एक बार प्रैक्टिस में 587 तक, 86 तक रेगुलर उनकी स्कोरिंग थे, और मे बी द डे वाज नॉट गुड फॉर इंडिया, और अभी पिछले उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बनाया है उनका, अभी चल रहा है। और रही बात मनु भाकर की, और मनु भाकर ओम प्रकाश का भी हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है मिक्स इवेंट में,
तो शूटर्स ने अच्छा किया है, लेकिन बस ये कहें कि ईस्ट में एक दो मेडल्स और आ सकते थे, वो हमसे चूक हुई है। उसमें किसी का नहीं कह सकते, इतना कह सकता हूँ कि शायद वो दिन हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं रहा।